हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना और मैं अपने वीडियो में आप लोग के लिए एक हमेशा नई टॉपिक लेकर आती हूँ जो जनरली डेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है। और मेरे टॉपिक आप सबके लिए यूजफुल है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसे मैं अपने वीडियो में बताती हूँ। जो अगर कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखे तो उसे एज ए नोट्स भी हो जाएगा उसके लिए और उसे इजिली याद हो जाएगा फॉर देयर एग्जामिनेशंस। और नॉर्मली आप सब जो भी प्रॉब्लम होता है उन सारी प्रॉब्लम से अवेयर हो सकते हैं और अलर्ट हो सकते हैं। अगर आप अपने दांत में या मुंह में या कहीं भी आप ऐसे प्रॉब्लम्स को फील कर रहे हो तो इसलिए मैं ये वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा एफर्ट, मेहनत और टाइम लगता है वीडियो को प्रिपेयर करने में, फिर उसको पोस्ट करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है उसके बारे में जानते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक नेटिव टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। जो छोटे बच्चों को होता है और वो तब होता है जब वो अपनी माँ के पेट में ही रहते हैं, तभी उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए आज जानते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में कि इसका क्या सॉल्यूशन होता है और इसका कॉजेस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो ओपनिंग होता है और स्प्लिट्स इन अपर लिप और रूफ ऑफ द माउथ और बोथ। आप इस बच्चे का फेस देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो इसका फेस दिख रहा है आपको, इसका लिप्स में दिख रहा है कट मार्क है, वो उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप, जो कि लिप में होता है। और ये तब होता है, ये फेशियल स्ट्रक्चर तब ऐसा होता है जब बच्चा पेट में रहता है और उसका जो लिप होता है वो अच्छे से जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, और क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं जो अंदर जो पैलेट होता है, हार्ड पैलेट, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर का जो जबड़ा होता है ना, उसका जो हम लोग हिंदी में घरेलू भाषा में हम लोग बोलते हैं ऊपर का तालू, मतलब वो हार्ड पैलेट जो होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसको हम लोग क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसका काउज और कि क्लेफ्ट लिप होने का क्या रीजंस होता है बच्चों में। तो सबसे पहला है रीज़न कि रिसर्चर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है वो खास तौर पे इंट्रैक्शन होता है अगर उस बच्चे के पेरेंट्स, मतलब उनका जेनेटिकली ये चीज़ होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, और जो लेडी जो माँ बनने वाली हैं, अगर उनको ये हैबिट होता है स्मोकिंग का और ड्रिंक करने का बहुत ज़्यादा, उनमें भी ये चीज़ होने का खतरा बना रहता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है तो ये प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट फेज होता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का, तो डॉक्टर्स उनको फोलिक एसिड का टैबलेट्स देती हैं खाने के लिए ताकि उनके बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी नहीं हो। या फिर बहुत किसी को ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी से पहले भी फॉलिक एसिड दिया जाता है, जो वुमेन वीक होती, कमज़ोर होती है, उनको फॉलिक एसिड होना बहुत ज़रूरी होता है एक प्रेगनेंट लेडी में। तो अगर उस चीज़ की कमी होती है तो वैसे पेशेंट में, वैसी माँ जो प्रेगनेंट है उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ अगर होता है प्रेगनेंसी से पहले तो प्रॉब्लम होता है, या फिर एंटी सीजर मेडिसिंस, कुछ मेडिसिंस ऐसे होते हैं जो हमारे बच्चों के ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं पेट के अंदर ही, कभी कभी फेस अच्छा से डेवलप नहीं कर पाता है, अच्छी तरह से बन नहीं पाता है, कभी कभी कोई ऑर्गन या हाथ या पैर कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड हो जाता है।
ठीक है। और एक इन्फेक्शन अगर है होता है रूबेला जिसको बोलते हैं, अगर वो इन्फेक्शन होता है प्रेग्नेंट लेडी को तो भी ये प्रॉब्लम पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे है इसका कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में है डिफ़िकल्टी फीडिंग। ऐसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे बच्चों में जब वो फीड करते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं या फिर जैसे भी फीड उनको करवाया जाता है किसी भी तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है उनको। ज़्यादातर क्लेफ्ट लिप वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो कम दिक्कत होता है, लेकिन जिनका क्लेफ्ट पैलेट जो होता है, जो बच्चे को पैलेट में क्लेफ्ट का ये रहता है प्रॉब्लम, तो वैसे बच्चों को फीड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। कि वैसे में क्या होता है कि अगर बच्चा फीड कर रहा है, दूध पी रहा है या कोई भी लिक्विड डाइट ले रहा है, तो नाक से बाहर आने का चांसेस रहता है। वो जो फीड ले रहा है, फीडिंग कर रहा है, वो नाक से बाहर फिर आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऐसे बच्चों को। फिर ईयर इन्फेक्शन हो सकता है और सुनने का प्रॉब्लम, वो हियरिंग लॉस होता है बच्चों में। क्लेफ्ट पैलेट जो होता है स्पेशली एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मिडिल ईयर फ्लूड एंड हियरिंग लॉस, वो सुन नहीं पाते हैं। फिर डेंटल प्रॉब्लम्स होता है, वो अपर गम जो होता है मतलब मसूड़ा, वो बनने में प्रॉब्लम होता है। जो दांत होता है हमारा, जो टूथ का डेवलपमेंट होता है हमारे मसूड़े के अंदर यहाँ हड्डी में, उसमें फिर डेवलपमेंट वो डेवलप नहीं कर पाता अच्छे से, तो काफ़ी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। स्पीच डिफ़िकल्टीज होता है, वो अच्छे से बोल नहीं पाते, वो जब भी कुछ बोलते हैं तो लगता है काफ़ी ज़्यादा नाक से आवाज़ आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होता है कि चिल्ड्रन विद क्लेफ्ट फेस मे फेस सोशल इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन अपीयरेंस। सबसे बड़ी बात अपीयरेंस, ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई पर्सन हम लोग को सामने दिख जाता है जिसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है हम लोगों को, तो हम लोग उसको घूर के देखने लगते हैं, यार उसको ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा है। तो वैसे पेशेंट को खुद में ये काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि यार पूरा दुनिया ऐसा दिख रहा है, हम ऐसे क्यों हैं, एबनॉर्मल क्यों दिखते हैं, या मेरा फेस अच्छा नहीं दिखता है, मेरे फेस पर ऐसा दाग है या कुछ भी है, वैसा वो लोग को एक मेंटली ये हो जाता है और स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी सारे ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसका प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए है सबसे पहले कि जेनेटिक काउंसलिंग, अगर आपके जीन में या के फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ये बात शेयर करनी चाहिए, उनसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके जीन में ये चीज़ है तो हो सकता है कि आपके बच्चे में भी ये प्रॉब्लम हो। तो उसके बाद क्या होगा कि गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फिर दूसरे डॉक्टर को आप रेफ़र कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर और भी ट्रीटमेंट है, ताकि पेट के अंदर आपका जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसको ये प्रॉब्लम नहीं हो, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और प्रीनेटल विटामिन्स लेना होता है माँ को, और जो माँ को हैबिट है टोबैको यूज़ करने का या अल्कोहल यूज़ करने का, उसको कम्प्लीटली बंद करना होता है, बिल्कुल भी नहीं ले। ऐसे भी जनरली जिनके जेनेटिक में ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए ऐसी माँ को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बच्चे के हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है बुरी तरह से, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में क्या है कि क्लेफ्ट लिप है और क्लेफ्ट पैलेट कैन बी सीन ऑन अल्ट्रासाउंड बिफोर द बेबी इज़ बॉर्न। जो जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग माँ जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तब अल्ट्रासाउंड के द्वारा जब चेकअप होता है बेबी का कि वो अच्छी तरह से है कि नहीं पेट के अंदर, तो उस दौरान भी ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं, पा सकते हैं, पता चल जाता है कि बच्चे को क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम है। अगर बच्चा दूसरा है कि ये चीज़ आपको जो 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है तो उस समय ये दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसका फेस पता चलेगा, उसका फेस पे क्या है क्या नहीं है, क्लेफ्ट लिप का प्रॉब्लम है तो वो दिखाई देगा। अगर क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम है और लिप का प्रॉब्लम नहीं है और पैलेट का प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ पता नहीं चलेगा अल्ट्रासाउंड से भी,
वो जब बच्चे का जन्म होगा उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पैलेट तो अंदर होता है, लिप बाहर होता है। तो लिप पे हम लोग, लिप तो सामने होता है, उसको हम लोग देख सकते, विजिबल होता है अल्ट्रासाउंड में, लेकिन अगर पैलेट का प्रॉब्लम होगा तो वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आगे ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट आर टू इम्प्रूव द चाइल्ड्स एबिलिटी टू ईट, स्पीक एंड हियर नॉर्मली। तो इसका सर्जरी इसलिए करवाया जाता है या फिर इसका ट्रीटमेंट इसलिए करवाया जाता है कि वो बच्चा अच्छे से बोल सके, आसानी से खाना खा सके। आप सोच सकते हो कि अगर हम लोग थोड़ा सा खाते वक्त सरक जाते हैं तो फिर हम लोगों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हम लोग थोड़ा देर के लिए ऐसा लगता है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो वैसे बच्चों को कितना तकलीफ़ होता होगा जब वो कुछ भी मुंह में लेते होंगे और उनके नाक से बाहर आ जाता होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम फेस करते होंगे वो वैसे बच्चे। तो और इसमें हियर अगर वो सुन नहीं पाते हैं तो भी दिक्कत है। ये सारा चीज़ देखने, ये सारा चीज़ उनमें सुधार लाने के लिए सर्जरी किया जाता है। ठीक है, और नॉर्मल फेस अपीयरेंस मतलब उनका फेस सुंदर दिखे, अच्छा दिखने लगे, तो उस चीज़ के लिए यही मोटिव होता है इस ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने का। ठीक है, तो केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ऑफन इन्वॉल्व्स अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स और डॉक्टर, काफ़ी सारे डॉक्टर्स का इसमें एफर्ट लगता है, बहुत सारे डॉक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है। जो पीडियाट्रिशियन होते हैं मतलब छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, फिर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो दांत के डॉक्टर होते हैं, बच्चों के दांत के डॉक्टर, वो ऑर्थोडोंटिक्स मतलब जो ऑर्थोडोंटिक्स मतलब कि इनके जबड़ों का जो डॉक्टर होता है दांत से रिलेटेड, उनका ज़रूरत पड़ता है। नर्सेस, स्पीच थेरेपिस्ट बोलना सिखाने वाला जो थेरेपिस्ट होता है उनकी ज़रूरत पड़ती है, जो उनको बोलना सिखा सके। फिर क्या है, सर्जन हो स्पेशलाइज इन क्लेफ्ट रिपेयर, वैसा सर्जन चाहिए जो क्लेफ्ट को जोड़ सके अच्छे से और उसके फेस पे पता भी नहीं चले कि वैसा कुछ सर्जरी हुआ है। हल्का दाग तो रह जाता है लेकिन वो समय के साथ साथ बहुत कम हो जाता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो अच्छे से। ये देखिए, ये क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट पैलेट है, मतलब अंदर तालू के अंदर ये गैप ऐसा हो जाता है, बच्चों को ऐसा गैप बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट मतलब दोनों का प्रॉब्लम है, लिप भी कटा हुआ है और लिप के साथ साथ पैलेट जो जुड़ा रहता है अंदर तक तालू, वो पूरा का पूरा गैप बना हुआ है ये, और ऐसा दिखता है बच्चा। और जब ऑपरेशन हो जाता है तो फेस ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा दाग रह जाता है लेकिन फिर वो समय के साथ धीरे धीरे चला जाता है, हल्का फुल्का दाग रह जाता है जो सर्जरी का रहता है। ठीक है, ओरल सर्जन्स जो मुंह का जो सर्जन होता है, डेंटिस्ट ओरल सर्जन, उनका ज़रूरत पड़ता है। फिर ईयर नोज़ एंड थ्रोट डॉक्टर्स, ऑडिटरी और हियरिंग स्पेशलिस्ट जो कान के डॉक्टर होते हैं वो, फिर जेनेटिक काउंसलर जो जेनेटिक से जुड़ा प्रॉब्लम जिनको होता है उनसे मिलना होता है, फिर सोशल वर्कर्स, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शॉर्ट वे में एक क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में मैंने बताया। ये जितना सिंपली मैंने बता दिया ये उतना सिंपल और उतना आसान नहीं होता, ये बच्चे के लिए भी उतना ही तकलीफदायक होता है और पेरेंट्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा तकलीफदायक होता है, क्योंकि अगर छोटा बच्चा जो होता है वो बोल नहीं सकता और उसको कितना सारा तकलीफ होता है वो खुद भी नहीं समझ सकता, वो ऐसे स्टेज पर रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फैमिली में या आसपास किसी के यहाँ भी ये चीज़ आपको नज़र आती है तो उनको आप ये गाइड कर सकते हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, और किसी के भी जीन में अगर ये चीज़ है तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से
बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हैं तो, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो भी आप उस स्टेज में, उस टाइम में अपने डॉक्टर से ये चीज़ बता सकते हैं उनको, ताकि वो फर्दर आगे और भी ट्रीटमेंट आपको बता सके कि और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना है इसके लिए, ताकि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you for watching.